हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ट्रिग्नोमेट्री की हमने एनसीईआरटी तो ख़त्म कर ली है। अब हम ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है, तो पहला ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये 2001 में आया था। ठीक है, तो इसमें हमें प्रूव करना है कोसिकन स्क्वायर थीटा प्लस सिकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकन स्क्वायर थीटा इंटू सिकन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में। तो एज़ यूजल मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा, दैट इज़ कोसिकन स्क्वायर थीटा प्लस सिकन स्क्वायर थीटा। तो कोसिकेन थीटा तो आपको पता ही है, कोसिकेन थीटा होता है 1/sin थीटा, और सिकेन थीटा क्या होता है, डेट इज 1/cos थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है तो कोसिकेन थीटा हो जाएगा 1/sin थीटा, स्क्वायर है तो क्या आ गया, यहाँ स्क्वायर आ गया। और सिकेन थीटा होता है 1/cos थीटा, स्क्वायर है तो क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ठीक है, सो अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो अब मैंने बताया था एलसीएम लेते हैं, अगर दो अलग अलग चीज़ें तो साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके, फिर अगर साइंस को थीटा से साइंस को थीटा कट गया तो क्या बचा, कॉस का थीटा। तो कॉस का थीटा ऊपर वाली वैल्यू चेक के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया कॉस का थीटा। कॉस का थीटा से कॉस का थीटा कट गया तो क्या बचा, साइंस को थीटा। तो साइंस को थीटा ऊपर वाली वैल्यू से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो राइट हैंड साइड हमने फॉर्मूला लिखने के लिए रखते हैं हमेशा, तो ये आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, अलग अलग कर सकता हूँ ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में दोनों से लिख सकता हूँ, 1/sin² थीटा इंटू 1/cos² थीटा। तो 1/sin थीटा बताया, 1/sin थीटा क्या होता है, कोसिकन थीटा। तो ये बन गया मेरा कोसिकन स्क्वायर थीटा, और 1/cos थीटा होता है सिकन थीटा। तो ये बन गया मेरा मल्टीप्लाई बाय सिकन स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस रूट। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, तो इसको थोड़ा सा मैंने पहले कर लिया था, वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो अब ये क्या है ना, इसको थोड़ा ये करना है आपको, ये चीज़ प्रूफ करनी है और ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, साइन ए प्लस कॉस ए अपन साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपन साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एलसीएम लिया है मैंने, साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए। तो एलसीएम ले लिया हमने, तो साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कट गया, ध्यान दो, साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कटा, क्या बचा, साइन ए प्लस कॉस ए। साइन ए प्लस कॉस ए किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन ए प्लस कॉस ए, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए से साइन ए प्लस कॉस ए कैंसिल, क्या बचेगा, साइन ए माइनस कॉस ए, ऊपर भी क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, तो क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। ओके, अब क्या लगता है क्या करना चाहिए, अब यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो लगा देते हैं, यहाँ आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2sin a b। ओके, फिर इसकी बारी आई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2sin a और कॉस ए डिवाइडेड बाय क्या आ गया, साइन ए माइनस कॉस ए, ए माइनस बी ए प्लस बी, वो क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये 2sin a कॉस ए है और ये माइनस 2sin a कॉस ए, तो आई होप कैंसिल कर देना चाहिए हमें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है 1, और ये भी 1 हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 हो गया, ये भी 1 1 1/sin² a माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये बन गया 2/sin² a माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो क्या प्रूफ करना है इसको हमें, एक तो हमें 2/2sin² a - 1 मतलब एक बार साइन में कन्वर्ट कर दो और एक बार कॉस में कन्वर्ट कर दो, ये बन जाएगा। तो देखो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है हमने, क्या 1 - cos² a, तो पहले ये पुट करेंगे फिर कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला पुट करेंगे, 1 - sin² a। तो पहले साइन का पुट कर लेते हैं, तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको डॉट लगा के, डेट इज़ 2/sin² a माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे दोबारा से लिख देते हैं, डेट इज़ 2/sin² a माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ मैं, 1 - cos² a, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1 - cos² a और माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये क्या आ गया, 2 - (-+)(1 - 2)cos² a। तो ये पहला प्रूफ हो गया है हमारा, ठीक है, ये पहला प्रूफ है। अब कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, तो ये अगर 2/sin² a ऐसे रख रहे हैं, और कॉस स्क्वायर ए माइनस लगा है बाहर तो ब्रैकेट ले लूँगा, 1 - sin² a, ब्रैकेट खोलेंगे, sin² a माइनस 1 - (-)+)(sin² a, sin² a और sin² a ऐड हो गए, तो ये आ गया आंसर 2/2sin² a - 1। क्वेश्चन दोबारा देख लो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब ये है क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड, जो कि 2008 में आया है। ठीक है, अब ये ना बिल्कुल ना एनसीईआरटी क्वेश्चन जैसा दिखेगा आपको, आप चेक कर सकते हो कि एनसीईआरटी में बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ कॉट थीटा है और कोसिकन थीटा है,
लेकिन इसको आधा किया है मतलब। तो आप ये वीडियो ना पूरी देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको देखना कि सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं। सारे क्वेश्चंस करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री के जितने आए हैं, ठीक है, मोस्टली इंपॉर्टेंट वाले। तो कॉट थीटा को ओपन कर लेते हैं हम। तो कॉट थीटा होगा मेरा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और कोसेकेंट थीटा होता है आपको पता ही है 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे 1, और टेन थीटा हो गया मेरा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेकेंड थीटा हो गया है 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियो देख लो, आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रूव में 2 करना है, ध्यान रखना है। ओके, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 और साइन थीटा, और साइन थीटा का एलसीएम होगा साइन थीटा, यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं। अगर तो 1 है तो जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर चल जाएगी, ठीक है, ऊपर चल जाएगी पूरी पूरी। तो यह आ गया साइन थीटा। अगर सेम वैल्यू है तो ऊपर का सेम ही रहेगा, तो ऊपर मैंने सेम ही रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, एलसीएम नीचे आएगा कॉस थीटा। अब 1 है तो कॉस थीटा ऊपर चला गया, और जो अगर सेम वैल्यूज है नीचे भी सेम है ऊपर भी सेम है, तो ये सेम ही रहेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो इस वैल्यू को देखो आप, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, और इसको देखो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बात एक ही है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये हो गया ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए की वैल्यू ये है पूरी, डेट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और बी की वैल्यू 1 है। तो मैं फॉर्म लगा रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अपॉन में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, सबको पता है, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है। डेट इज ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2, ब्रैकेट में ले दो ए बी, 2 ए बी, और यहाँ -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, मुझे याद आ गया, ठीक है। ओके, एमसीक्यू में आप चेक कर सकते हो, फोर्थ 5.4 के फोर्थ के फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट में से एक होगा, ठीक है। तो साइंस का थीटा प्लस कॉस, मैंने पहले भी कराया क्वेश्चन, वीडियो में चेक कर सकते हैं आप, साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा हो गए, और ये आ गया, ये 1 हो गया, मतलब ये 1 होगी इसकी वैल्यू, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा 2 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा कट गया, और ये आपका आंसर आ गया 2। तो चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन में 2 था और आंसर में भी बड़े ही प्यार से 2 आ चुका है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था जो कि 2000 में आया था। तो इसको हमने प्रूव करना है, देख लो, 1 बाय कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए माइनस 1 बाय साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन ए माइनस 1 बाय कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए है। ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, तो ये है 1 बाय कोसेकेंट ए, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो आप इसे, माइनस कॉट ए माइनस 1 बाय साइन ए। इसको ना, इसको हम ओपन नहीं करेंगे, इसको हम रैशनलाइज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। रैशनलाइज में क्या होता है, जैसे कोसिकन ए माइनस कॉट ए है, तो कोसिकन बीच माइनस है तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कोसिकन ए प्लस कॉट ए, प्लस लग जाएगा नीचे और बाकी ऊपर नीचे सेम, दैट इज कोसिकन ए प्लस कॉट ए। ओके, और ये -1 बाय साइन ए को ऐसे लिख देते हैं अभी के लिए, हम ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, मैं आपको साफ दिख रहा है। तो ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा कोसिकन ए माइनस कॉट ए, यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये आ जाएगा कोसिकन ए प्लस कॉट ए। ओके, और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर दैट इज कोसिकन का स्क्वायर माइनस कॉट ए का स्क्वायर, और -1 बाय साइन ए को मैं लिख देता हूँ कोसिकन ए, क्योंकि क्यों किया मैंने कोसिकन ए, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है कि कोसिकन ए है। अब इसका क्या करेंगे, तो इसको लिख लेते हैं पहले, कोसिकन ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय कोसिकन स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसिकन ए। ओके, तो मैंने कुछ फॉर्मूला याद कराया था आपको कि ना, अगर आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो तो उसका फॉर्मूला होता है कोसिकन स्क्वायर ए। तो दूसरा भी याद कर लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अगर आपके पास है उसका फॉर्मूला हो जाएगा सिकन स्क्वायर ए। तो अगर ये कॉट उधर चल जाएगा तो 1 की वैल्यू हो जाएगी कोसिकन स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, मतलब कोसिकन स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे मैं 1 पुट कर सकता हूँ। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे, यहाँ पे कोसिकन स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है, तो मैंने यहाँ पे कोसिकन ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई 1 पुट कर दिया, माइनस कोसिकन ए है, कोसिकन ए से कोसिकन ए कट जाएगा, और मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ चुका है कॉट ए। अब आप चेक कर सकते हैं कि इसको जिस तरह से मैंने सॉल्व किया है वैसा ही कुछ यहाँ भी है,
तो मुझे इसको भी रेशनलाइज करना है। तो राइट हैंड साइड में देख लो क्या है ऊपर, 1 बाय साइन ए माइनस 1 बाय कोसेकेन ए प्लस कॉट ए। तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये मैंने राइट हैंड साइड ले लिया, डेट इज़ 1 बाय साइन ए माइनस 1 बाय कोसेकेन ए प्लस कॉट ए। ओके ठीक है, तो अब इसको रेशनलाइज यही कर देते हैं, डेट इज़ इंटू कोसेकेन ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय कोसेकेन ए माइनस कॉट ए। ओके 1 बाय साइन ए आपको पता ही, समझ ही आ गया होगा, इसको कोसेकेन ए बना दो और ये ऊपर आ जाएगा, इससे ये 1 से मल्टीप्लाई होता जाएगा कोसेकेन ए माइनस कॉट ए, और यहाँ मल्टीप्लाई में ए प्लस बी ए माइनस बी, डेट इज़ कोसेकेन स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। डायरेक्ट कर दिया ना मैंने यहाँ पे, मैंने पहले मैंने क्या किया था, इसका स्क्वायर बनाया, फिर मैंने इसको स्क्वायर, कोसेकेन ए का स्क्वायर था तो मैंने इसको कोसेकेन स्क्वायर ए किया, यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट किया। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पुट करते हैं कोसेकेन ए माइनस लगाते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, कोसेकेन ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय 1, तो कोसेकेन ए अब खोल दो, ब्रैकेट खोल देते हैं, दैट इज कोसेकेन ए माइनस कोसेकेन ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, तो कोसेकेन ए से कोसेकेन ए कट गया और ये आंसर आ गया कॉट ए, सॉरी कॉट ए। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5th देखो आप, ठीक है, इस 5th क्वेश्चन में क्या है हमारा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। 2009 CBSE में आया था, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया यहाँ पे, तो पहले ना लेफ्ट हैंड साइड लेने से पहले आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मला लगाना है आप अपने ऊपर, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मला सुन लो, डेट इज ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आप समझ गए होंगे कि ए जो है वो साइन थीटा है और बी जो है वो कॉस थीटा है, तो ये आ गया है साइन थीटा ए की जगह पे और बी की जगह पे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड में ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है प्लस में है साइन थीटा का, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके प्लस में यहाँ पे क्या है हमारा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ठीक है, तो ये हो गया, ये वाली वैल्यू होगी 1 और ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये होगा साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 माइनस ये क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या लिखा हुआ है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, क्या बच्चा बनते हो, तो बेसिक फॉर्मूला है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन कर लोगे अटैम्प्ट, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते। इसी से हम दो एक और फॉर्मूला कर लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूले में ना पहले माइनस आता है और हर जगह प्लस आता है, ये ट्रिक है इसकी, ये ध्यान रखना है आपने ताकि आपको दोनों फॉर्मूले याद हो जाए और आसानी से आप क्वेश्चन भी कर सको। ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि 2000 में आया तो आपको आ नहीं सकता है या बाद में नहीं आया, बाद में भी आया होगा, ठीक है, किसी न किसी ईयर में, तो यहाँ पे पूरा बताया नहीं है, बस ये है कि तो 2002 में तो कन्फर्म है कि आया है। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कितना है, रूट टू कॉस थीटा है, मुझे ये शो करना है, तो मैंने क्या किया ना, मैंने गिवन पकड़ लिया है, तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में मैंने गिवन पकड़ लिया, डेट इज़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा दिया है, और प्रूफ करना है कि अगर माइनस आ जाएगा तो वो रूट टू साइन थीटा हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, पहले तो लिख देते हैं हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, रूट टू कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए मतलब कॉस थीटा, बी मतलब साइन थीटा, और रूट टू का स्क्वायर होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, रूट टू का मतलब होगा टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस टू कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड ले आओ, ठीक है, टू कॉस स्क्वायर थीटा को आप इस साइड ले आओ, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो कॉस स्क्वायर थीटा में से टू कॉस स्क्वायर थीटा रह गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रह गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा को वापस उस साइड ले जाते हैं, ठीक है, और ये साइन स्क्वायर थीटा को भी ले जाते हैं, तो ये इधर बन जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा उस साइड जाके और ये उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये इस साइड ही रहेगा, ठीक है, डेट इज टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो प्लस होगा और ये जो प्लस है उधर जाके माइनस होगा इसलिए, और ये यहीं रहा है इसलिए सेम रहा है, तो कॉस का थीटा माइनस साइन का थीटा। अब यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी लगा दो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इसको लिख सकता हूँ मैं, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा तोड़ दिया ना मैंने, इधर रहेगा टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी चाहिए, तो इसको यहीं रखो कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा प्रूव में था, और इधर क्या है टू साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड में क्या जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, देख लो आप, रूट टू कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की जगह पे मैं रूट टू कॉस थीटा लिख दूंगा, तो ये आएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आएगा रूट टू कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट टू। तो रूट टू, टू का मतलब होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, टू का मतलब होता है रूट टू इंटू रूट टू, लिख सकते हैं हम कॉस टू को, तो रूट टू से रूट टू कट गया और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया मेरा रूट टू साइन थीटा आ गया रूट टू साइन थीटा, हैंस रूट। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट ऑल्सो, थैंक यू।